चैट जीपीटी क्या है और यह कैसे काम करता है, चैट जीपीटी के फायदे और नुकसान क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चैट जीपीटी की शुरुआत साल 2015 में हुई थी, जब इसके निर्माता सैम ऑल्टमैन ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के साथ मिलकर नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर काम करना शुरू किया था। लेकिन एलन मस्क ने बीच में ही इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। इसके बाद सैम ऑल्टमैन ने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और आखिरकार 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन के मुताबिक चैट जीपीटी ने लॉन्च होने के 1 सप्ताह बाद ही लगभग 10 मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बना ली थी। हालांकि सैम ऑल्टमैन का कहना है कि चैट जीपीटी को अब तक तकरीबन 20 मिलियन यूजर्स ने आजमाया है और लगातार यूजर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट चैट जीपीटी का फुल फॉर्म चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है। इस चैटबॉट का इस्तेमाल भाषा अनुवाद, प्रश्न उत्तर और सामग्री लेखन यानी कि कंटेंट राइटिंग के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एक सर्च इंजन के तौर पर भी किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चैट जीपीटी को पहले से ही ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी को ट्रेनिंग देने के लिए इसके डेवलपर्स द्वारा पब्लिक डाटा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके आधार पर यह चैट बोट हमारे सवालों के जवाब ढूंढ कर देता है। हालांकि यह केवल पब्लिक डाटा में से सवालों के जवाब उठाकर ज्यों का त्यों नहीं देता, बल्कि उन्हें सही भाषा में तैयार क्रिएट करता है, उसके बाद हम तक पहुंचाता है। आपके सवालों के जवाब देने के बाद चैट जीपीटी चैटबॉट आपकी संतुष्टि का ख्याल रखता है। चैट जीपीटी अपने यूजर्स की प्रतिक्रिया के आधार पर उत्तर में संशोधन भी करता है ताकि यूजर को संतुष्ट किया जा सके। अगर आप चैट जीपीटी के किसी जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह उन जवाबों में लगातार संशोधन भी करता रहता है। इसके काम करने का तरीका गूगल से बिल्कुल अलग है। जब आप गूगल से कोई भी सवाल पूछते हैं तो गूगल तुरंत इंटरनेट पर अपलोड की गई जानकारियों के डेटाबेस पर आपके सवाल का जवाब देता है, लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। यह टूल इंटरनेट पर सर्च नहीं करता, बल्कि अपने भीतर फीड की गई जानकारियों डेटा के आधार पर आपके सवालों के जवाब देता है। अब आपका सवाल होगा कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें। चैट जीपीटी का इस्तेमाल उसकी ऑनऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। आपको बता दें कि अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल टेक्स्ट इनपुट के लिए मुफ्त में किया जा सकता है। हालांकि अब इसके एडवांस वर्जन चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल मुफ्त नहीं है, बल्कि इस एडवांस वर्जन का इस्तेमाल करने के लिए आपको लगभग $20 का भुगतान करना होगा। इस नए वर्जन की खास बात यह है कि यह टेक्स्ट के साथ साथ इमेज को भी एक इनपुट के तौर पर स्वीकार करता है। चैट जीपीटी यूज करने के लिए सबसे पहले आपको chat.openai.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए अपना नंबर डालना होगा, जिस पर ओटीपी भेजी जाएगी। इस ओटीपी को डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी के फायदे क्या है। चैट जीपीटी अपने यूजर्स के सवालों के जवाब लिंक या सोर्स के रूप में नहीं देता, जैसा आमतौर पर सर्च इंजन द्वारा दिया जाता है, बल्कि यह आपके सवालों का जवाब सीधा टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत करता है। चैट जीपीटी अपने यूजर्स की संतुष्टि का भी बखूबी ख्याल रखता है। अगर आप चैट जीपीटी के किसी परिणाम अथवा जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह आपसे सुझाव लेता है और प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार अपने जवाब तथा परिणामों में संशोधन अपडेट करता रहता है। इस समय चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है। ऑनफिस की ऑनफिशियल वेबसाइट पर जाकर फ्री में इस चैट बोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग के नजरिए से भी चैट जीपीटी बेहद काम का है, क्योंकि चैट जीपीटी के जरिए स्क्रिप्ट्स और अदर कंटेंट्स जैसी सामग्रियों को भी जनरेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि चैट जीपीटी अब न केवल टेक्स्ट बल्कि इमेज को भी इनपुट के तौर पर स्वीकार करती है। अब हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी के नुकसान क्या है। सिक्कों की तरह ही हर चीज के भी दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज का कुछ फायदा है तो किसी न किसी मायने में उसके नुकसान भी होते हैं। ऐसा ही कुछ चैट जीपीटी के साथ भी है। अभी फिलहाल चैट जीपीटी केवल अंग्रेजी भाषा के लिए सपोर्ट करता है। ऐसे में जब तक इसमें दूसरी भाषाएं नहीं जोड़ी जाती, तब तक दूसरी भाषाओं में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि चैट जीपीटी आपके सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सही ही दे, क्योंकि चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है
जो पब्लिक डाटा को सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करके आपके सवालों के जवाब देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चैट जीपीटी के आने से कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने में चैट जीपीटी कितना कारगर होता है, यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए आपको पता चला कि चैट जीपीटी क्या है, यह कैसे काम करता है, चैट जीपीटी के फायदे और नुकसान, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। जय हिंद।